एसएसबी एग्रो गावदान के प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत। हेलो दोस्तों, यशस्वी एग्रो गावरन पोल्ट्री फार्म में आज हम देखने वाले हैं मुर्गी पालन और बकरी पालन एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो फार्म है ये शिवतेज एग्रो फार्म डॉक्टर सुहास गोरे इनका है। तो इनके फार्म में अभी हम देख रहे हैं तो टोटल 10 बकरियां और 600 मुर्गियां हैं। तो दोनों का एक साथ बिजनेस करते हैं। इसके साथ वो खुद वेटरनरी डॉक्टर है, अलग अलग बैचेस लेते हैं। सो बहुत मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। इन्होंने अलग अलग बैचेस किए हैं अपने फार्म पे मुर्गियों के लिए। फर्स्ट बैच जो आप देख रहे हैं ये 10 दिन की मुर्गियां हैं। इनको एक दिन के जब थे तभी लाया था, अभी इनको 10 दिन पूरा हो चुके हैं। इनको पूरा वैक्सीन वगैरह इन्होंने सेट पे आने के बाद ही किया है। लासोटा और गंबरा दोनों वैक्सीन इनके कंप्लीट हो चुके हैं। इनके फार्म में पूरा मतलब मैनेजमेंट ठीक तरह से है, इसकी वजह से मृत्यु जो रहती है बहुत बहुत कम प्रमाण में रहती है। और अलग अलग बैचेस में अभी जो हमने देखी फर्स्ट बैच थी वो उनको फर एक दिन के पिल्ले थे तब लाया था। अभी ये सेकेंड है जो जिसको 2 महीने कंप्लीट हुए उसको उन्होंने अलग किए हैं। तो जो भी इनमें पहले 200 थे उसमें से उनके 30 सिर्फ मुर्गे बच्चे हैं। मुर्गियाँ ये सिर्फ 1.5 महीने में ही बेचते हैं वो, और यही स्पेशलिटी इनके फार्म की है कि 1.5 महीने में पूरी मुर्गियाँ ये बेच देते हैं। 1.5 महीने में इनका वेट तो ज़्यादा नहीं आता, वेट मैक्सिमम इनका 700 या 800 ग्राम तक आ जाता है। 700-800 ग्राम में इनका 130 रुपये पर नग के हिसाब से ये मुर्गियाँ बेचते हैं। देखो ये जो मुर्गियाँ हैं ये 800 ग्राम तक हैं, तो 800 ग्राम में 130 रुपये पर नग से बेच देते हैं सिर्फ मुर्गियाँ, मुर्गे नहीं बेचते। तो ये जो 130 रुपये में इनको इसलिए परवड़ता है कि इनका जो खाद्य है उसका कॉस्ट कम हो जाता है। तो मुर्गियाँ 130 रुपये पर नग और मुर्गे 3 महीने के बाद बेचते हैं 500 और 600 रुपये तक। तो दोनों का एवरेज निकाला तो अप्रोक्स उनको 350 रुपये पर नग जाता है। तो महीने का 15,000 रुपये इनका नेट प्रॉफिट बनता है। अभी हम देख रहे हैं ये जो नई बैच लाए थी इनकी चोंच कट करना है, क्योंकि एक दूसरे से जब झगड़ते हैं तब इनके पंख जो रहते हैं वो टूट जाते हैं, इसके वजह से चोंच कट करनी पड़ती है। और ये जो है इनका शेड जो है, शेड के सामने पूरी खेती है। तो खेती में इन्होंने बकरियों के लिए चारा का नियोजन किया है जिसमें घास वगैरह लगाया है। तो ये पूरा आप देख रहे हैं वो पूरा खेत इनका है जिसमें चारा नियोजन एक लोग करते हैं। और शेड में ही एक कंपार्टमेंट बना हुआ है जिसमें खाद्य रहे, ये मुर्गियों का खाद्य है नेच न्यूट्री पावर करके आता है गावरान फीड, देख रहे हो आप। देखो ये ऐसा फीड रहता है मुर्गियों का, स्टार्टर फीड है। और ये ताज़े अंडे अभी मिले हमको फार्म में, ये 2 बतख हैं ऐसे ही रखे हैं, इनका कोई मांस के लिए यूज नहीं करते हैं, बस ऐसे ही एक जगह से मिले थे तो इनको लाके यहाँ पे रखा है। बाकी उसका मांस के लिए कोई यूज़ नहीं होता है, हम करते नहीं हैं, बेचते तो है बाकी लोग लेकिन ये लोग नहीं बेचते हैं, तो ऐसे ही सेड पे रखा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।